बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संडे का ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो हमने सोचा कि इसको आपके लिए शूट कर देते हैं। आज हम अंडे पराठे की रेसिपी दे रहे हैं जो कि बहुत आसान और बहुत क्विक है। हम एक पेड़े को बेलना स्टार्ट करते हैं पराठा बनाने के लिए। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे और बेल कर हम इसको फैला लेंगे। अब हम एक टीस्पून की मदद से थोड़ा सा घी इस रोटी के ऊपर फैला लेंगे। अब पराठा बनाने के लिए हम इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और थोड़ी सी खुश्की अपने हाथ से लेके इसके ऊपर फैला देंगे। एक दफ़ा जब ये इस तरह से तैयार हो जाएगा तो अब हमें इसको रोल करना है। एक साइड से घुमाते हुए हम इसको रोल कर लेंगे और उसके बाद अपनी फिंगर की मदद से उसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से कि ये एक गोल पेड़े की शक्ल में आ जाए। अब हम सारे पेड़े बना के पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम पराठे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे, उसके बाद हाथों की मदद से इसको स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी खुशी लेकर स्प्रिंकल कर देंगे और फिर दोनों हाथों की मदद से इसको रोल करते हुए एक साइड पर ले आएंगे। वंस जब ये रोल हो जाएगा तो हम इसको अपनी उस फिंगर पे घुमाकर एक पेड़े की शक्ल दे देंगे। पेड़े बनके तैयार हैं। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। इसको हल्के हल्के हाथों से फैलाना है और हम इसके ऊपर हल्की सी खुश्की डस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि खुश्की कम से कम लगाएं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे हम खुश्की लगा सकते हैं। हमारा पराठा तवे पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसको एक हाथ पे लेकर और दूसरे हाथ से तवे को फैला देंगे और चूल्हे की आग तेज़ कर देंगे। हमने तवा पहले से थोड़ा सा प्री हीट करके रखा हुआ था, लाइक 5 to 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर, और पराठा डालने के बाद हम इसकी आग तेज़ कर देंगे। अब हम पराठे को हल्का हल्का सा घुमा लेंगे ताकि वो हर तरफ से इवनली कुक हो जाए। अब हम इसकी साइड टर्न कर लेंगे और इस साइड के ऊपर हल्का हल्का सा घी लगा देंगे। इसको गोल गोल घुमाते हुए अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक लेंगे। अब मैं इसकी साइड टर्न कर रही हूँ और चूल्हा भी थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। पराठा बनकर तैयार है। अब हम इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। दूसरा पराठा हमने तवे पर डाल दिया है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसकी साइड टर्न कर देंगे। पराठा बनाने के लिए मैंने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया या वाइट फ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो घर में रेगुलर ब्राउन आटा होता है उसी से पराठा बना रहे हैं, क्योंकि ये वाइट आटे की निस्बतन ज़्यादा हेल्दी होता है। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा घी लगाना स्टार्ट करेंगे
और चूल्हे को मीडियम फ्लेम कर देंगे। साइड टर्न कर देंगे। नीचे की साइड पर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और इसको गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे। पराठा तकरीबन बनकर तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। अब हम एक बोल में चार अंडे क्रैक कर लेंगे ऑमलेट बनाने के लिए। हमारे पास थोड़ा सा रफली चॉप्ड कोरिएंडर और स्प्रिंग अनियन है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी सब्जियां हो आप डाल सकते हैं, आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हम हरी मिर्चें नहीं यूज़ कर रहे, हम स्प्रिंग अनियन और कोरिएंडर लीव्स यूज़ कर रहे हैं सिर्फ। इसमें हम 1/4 teaspoon रेड चिली पाउडर डालेंगे और ऑलमोस्ट इतना ही हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इसमें घी डाल देंगे और अंडे को बहुत अच्छी तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। नीचे की साइड से अंडा तकरीबन हो चुका है, तो अब हम इसकी साइड टर्न कर देंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे।